नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अगला प्लांट लेकर आए हैं। इसमें है ये सीडियम गुआजावा का प्लांट है और इसकी फैमिली जो है ये फैमिली इसकी हमारी मिर्टेसी है। मिर्टेसी फैमिली का प्लांट है ये, और ये इसका स्टेम है। ये जो हमारा बार्क है, ये बार्क क्या होती हैं, पील साफ हो जाती हैं, एक दो छूट जाती हैं और नई जो है ये नई बार्क आ जाती हैं। ये जैसे देखिए ये जो बार्क है, और इसमें ये जो लीफ हैं एक दूसरे, इनका अरेंजमेंट जो है ये देखिए अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत क्रम में है इनका अरेंजमेंट। और लीफ का अगर वेनेशन की बात करेंगे तो इसका ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, और इसमें ये मिडरिब है इसकी, ये जो मिडरिब है, मिडरिब से ये हमारी जो वेंस जा रही हैं, ये वेंस जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ये जो दिख रहा है ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और इसी के आधार पर हम इसकी रूट बताएंगे। तो रूट इसकी है टैप रूट है, क्योंकि जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट होते हैं ये सब इनकी टैप रूट होती है। हम इसके अब आपको फ्लावर के बारे में बताएंगे। ये इसका फ्लावर है जो लगा हुआ है इधर पर, और इसमें जो फ्लावर का इनफ्लोरिसेंस है वो एक्जिलरी है, सॉलिटरी है, क्योंकि ये एक्जिलरी मीन्स होता है यहाँ से ये लगा हुआ है ब्रांचेज के और लीफ के पास से लगा हुआ है, और सॉलिटरी मीन्स एकल है, इसका मतलब एक ही फ्लावर है। और इसमें देखेंगे तो ये जो हमारा ये जो सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं ये 4 और 5 होते हैं, 4 या 5 होते हैं, ये करोला हैं। और इसके जो सीपल्स हैं, ये पीटल्स हैं, ये करोला बोलते हैं कंपाउंड इनको। और ये जो हमारे जो कैलिक्स हैं या सीपल्स हैं वो इसके नीचे लगे हुए हैं, और दोनों का जो कैलिक्स और करोला हैं इनका दोनों का जो वेनेशन होता एस्टिवेशन होता है इनका, कुनकुनसियल एस्टिवेशन होता है। और ये अगर देखेंगे तो ये जो हैं इसके ये स्टेमन्स हैं, एंड्रूसियम के पार्ट होते हैं ये, इनमें न्यूमरस होते हैं, मतलब नंबर में तो होते हैं लेकिन इनडिफिनिट नंबर के होते हैं। इसमें अगर ये देखें तो इसका जो ये है इसकी स्टाइल है, ये इसका स्टिग्मा है, ये कैपिटेट होता है, जो कैप के आकार का होता है, ये जो ये है ग्रीन कलर का स्टिग्मा जो है इसका जो है ये कैपिटेट होता है, कैप के आकार का होता है, ये इसकी स्टाइल है। अगर हम इसकी ओबरी की बात करें तो जो फ्लावर के अदर पार्ट हैं वो ओबरी के ऊपर से निकल रहे हैं, ये देखिए ये ओबरी के ऊपर से हैं, ये पूरे एंड्रूसियम हैं, स्टेमन्स हैं, ये देखिए ये स्टेमन्स हैं, ये जो हैं ये स्टेमन्स हैं इसके, और ये इसके ऊपर से निकल रहे हैं, इसलिए जो ओबरी है इसकी वो है इन्फीरियर ओबरी है। और अगर इन्फीरियर ओबरी होती है किसी की तो इसका जो फ्लावर होता है वो इपीगाइनस होता है। ये देखिए इसकी ओबरी जो है ये नीचे हुई है, और इसमें जिसमें हमारी ओबरी जो होती है इन्फीरियर, तो उसके अगर फ्रूट को देखें हम तो वो बहुत दिनों तक लगे रहते हैं। जैसे ये कैलिक्स हैं ये बहुत दिनों तक रहते हैं, ये जो ग्रीन कलर के होते हैं लगे हैं, और ये इसका फ्रूट है। अगर जिसकी इन्फीरियर ओबरी है उसमें क्या होता है, ये कैलिक्स मतलब बहुत दिनों तक लगे रहते हैं, ये इस तरह की संरचना देखी जा सकती है। और ये इसका फ्रूट है, फ्रूट टाइप इसका बेरी है, और इसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। इसका अगर ओबरी हम आपको दिखाएं, ये जैसे है फ्रूट का टाइप, तो इसमें ये जो ये इधर देखिए ये जो प्लेसेंटेशन है इसमें एग्जाइल होता है, यहाँ से ये एक्सिस है, इसके बाद ये प्लेसेंटेशन इसमें एग्जाइल होता है। और ये इसका फ्रूट है बेरी, और इसका यूज हम विटामिन सी रिसोर्सेज में भी, विटामिन ए रिसोर्सेज में करते हैं। धन्यवाद।